हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने चैप्टर दैट इज हेलो लिकेन्स एंड हेलो एरिंग्स के लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस विथ ऑल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स इन दिस चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी पॉली हैलोजन कंपाउंड्स आपको मिलेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी प्रिपरेशन भी डिस्कस करेंगे कि हाउ विल दे फॉर्म एंड व्हाट देयर यूजेस एंड उनके क्या इफेक्ट्स है हार्मफुल, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट मैं चाहता हूँ कि एक तो एग्जाम्पल आपको करा दूँ रिगार्डिंग लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट फर्स्टली ऑलरेडी प्रेजेंट हो किसी भी बेंजीन रिंग से। इस बेंजीन रिंग से कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट इनिशियली प्रेजेंट हो एंड आफ्टर दैट हम किसी एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराते हैं और हमें जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बेंजीन रिंग है जो इनिशियली अनसब्स्टिट्यूटेड है, फ्री है, मतलब इसके चारों जो है 6 हाइड्रोजन वो सभी क्या है प्रेजेंट है। इसकी फर्स्टली रिएक्शन में मान लीजिए कि CH3 CO एंड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करा देते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ये जो हमारा है इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कौन सा होगा, CH3CO+, यही तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। फर्दर जब ये इलेक्ट्रोफाइल अब क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ये CO CH3। फर्दर हम इसकी रिएक्शन किसी और इलेक्ट्रोफाइल से कर देते हैं, लेट्स से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर हम इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करा दें तो एक सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन रिएक्शन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3 होता है। और यही पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसी ही इस पे जाके लगेगा। बिफोर दैट हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये CO CH3 जो है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो SO3 है इसको कहाँ ऐड होगा। तो मैंने आपको बताया था कि सिंस इसके पास कोई ये हाइड्रोकार्बन तो है नहीं, सिर्फ CH2 CH3 तो है नहीं, मतलब ये हुआ कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग मतलब मेटा डायरेक्टिंग। एंड सिंस ये मेटा डायरेक्टिंग है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो इसके मेटा पोजीशन पर जाके ऐड होगा। ये हो गया CO CH3 और इसकी मेटा पोजीशन कौन सी होगी रिस्पेक्ट में, ये दोनों तो ऑर्थो होंगे, ये दोनों मेटा होंगे, तो आप किसी भी एक मेटा पोजीशन पर लगा दीजिए। मान लीजिए मैं इसी पर लगा देता हूँ SO3H। आप इसको ओपन स्ट्रक्चर में बना सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, यहां पर एक CO CH3 है एंड इसके मेटा पोजीशन पर SO3H ग्रुप लगा है, ये होगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक, तो ये तो एक एग्जांपल था रिगार्डिंग आवर प्रीवियस क्लास। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट प्रिपरेशन एंड जो भी यूजेस होंगे वो ये आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि
टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम आर यूजुअली रिफर्ड टू एज पॉली हेलोजन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि CHCl2 जब एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन अटैच्ड हों तो इन्हें हम जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। और अगर ये एडजेसेंट कार्बन पे ऐड हो ये एक एडजेसेंट कार्बन पे हो तो इन्हें हम विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। ये तो हुई जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड की, बट हमें इसकी बात यहां पर नहीं करना है। हमें बात करना है इनकी एक प्रॉपर्टीज की, इनके प्रिपरेशन की एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डाइक्लोरोमीथेन से। डाइक्लोरोमीथेन मतलब डाइक्लोरोमीथेन क्या होगा? CH2Cl2, ये है हमारा डाइक्लोरो मिथेन। ठीक, अब इसकी हम प्रिपरेशन देख लेते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे होता है। ऑल्दो एनसीईआरटी में सारी गिवन नहीं है चीजें, बट मैं आपको बता देना चाहूंगा ताकि आपको अगर यूज अगर हो तो आप ऐसा ना हो कि आप ये कह सके कि सर ने तो बताया ही नहीं। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन। मैंने आपको बताया था कि क्लोरीनेशन CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, ये क्लोरीनेशन, इसे डायरेक्ट क्लोरीनेशन बोलते हैं। आपको बताया था जब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बताया था, तो उस टाइम जब हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो उसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट किया था, मोनोहैलोजन कंपाउंड हम बना रहे थे। बट ये डाइक्लोरोमीथेन मतलब ये एक बार अगर हम ये रिएक्शन जब कराएंगे Cl एंड Cl, इनकी क्या होगी? होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, रेडिकल में फॉर्म होंगे। ये रेडिकल इसके एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके HCl के फॉर्म में चला जाएगा और ये दूसरा इससे लग जाएगा, मतलब क्या फॉर्म होगा? CH3Cl। फर्दर हम इसकी अगर रिएक्शन Cl2 से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ HNO लाइट, तो एक और हाइड्रोजन जो है Cl2 से क्या Cl से क्या होगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2Cl2, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन। और यही तो हमें फॉर्म करना था। मतलब अगर हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करा दें तो हमें डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ CH2 एंड Cl2। एक और तरीका होता है इसके प्रिपरेशन का, बट वो अभी हमारे काम का नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले लें, इसका भी डिस्कशन हमें करना है अभी, अगर हम इसकी रिएक्शन जिंक मेटल प्लस HCl से करा दें तो अगेन हमें CH2Cl2 मिलता है प्लस HCl हमारा बाहर, ये प्रोडक्ट हमें मिलता है डाइक्लोरोमीथेन। ये तो हो ही बात इसके प्रिपरेशन की। अब बात करते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इट इज अ कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमने इसकी प्रिपरेशन तो पढ़ ली। तो बात करते हैं डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एज अ पेंट रिमूवर। ये पेंट रिमूवर की तरह यूज होता है एंड एज अ सॉल्वेंट यूज होता है CH2Cl2। एंड और किस चीज के लिए यूज होता है? एक मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट के लिए भी ये यूज होता है। सॉल्वेंट्स की अगर फिनिशिंग करनी है, मतलब उनकी अगर प्योरिटी को बढ़ानी है,
उसके लिए हम CH2Cl2 का यूज करते हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? इट हार्म्स ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2, ये हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए, एंड ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसी को अफेक्ट करता है। हायर लेवल, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हायर लेवल्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कॉजेज डिजनेस, नौसिया, टिंगलिंग एंड नंबनेस इन द फिंगर्स एंड टोज। इन ह्यूमंस डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विथ मिथाइलिन क्लोराइड कॉजेज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन। जैसे कि ये अब हम कुछ एसिड्स की बात करते हैं कि अगर ह्यूमन स्किन के ऊपर कोई एसिड गिर जाता है तो जो स्किन होती है वहाँ की वो बर्न हो जाती है, जल जाती है, आपको ये अच्छे से पता है। सिमिलरली अगर CH2Cl2 है और स्किन के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उसे भी एक एसिड की तरह अफेक्ट करके बर्न करने चालू कर देगा, एंड उसकी वजह से जो रेडनेस है आपकी स्किन पर या किसी की स्क्रीन पर जो है स्किन पर वो रेडनेस टाइप का होने लगेगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आईज कैन बर्न द कॉर्निया। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आईज कैन बर्न द कॉर्निया। अगर आप इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आईज के लाए तो ये जो कॉर्निया है जो हमारे आँख की उसे ये बर्न कर देगा, मतलब ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है किसी भी ह्यूमन के लिए। दिस इज ऑल अबाउट डाई क्लोरोमिथेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्राइक्लोरोमिथेन। ट्राइक्लोरोमिथेन कॉमनली नेम्ड एज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपने सपने सुना है कि क्लोरोफॉर्म जो है अच्छी स्मेल होती है इसकी, इसलिए इसको यूज किया जाता है फ्रेग्रेंस फॉर्म में। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे होता है। तो अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें, एक मिनट, अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इसको भी हम अगर CH4 प्लस Cl2 कराएं अगर 3 times एच न्यू, तो अगर 1 time में क्या हुआ CH3Cl बनेगा, फर्दर कराएंगे तो CH2Cl2 बनेगा, एंड अगेन अगर करा दें तो क्या बनेगा CHCl3। हमने क्या किया, Cl2H3 से फर्दर इसकी रिएक्शन कराते गए और हमें फाइनली CHCl3 फॉर्म हुआ। अगर एक बार और करा देते तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता CCl4 में, बट हम यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, वो ये कि व्हाई इट इज केप्ड इन कलर्ड बॉटल्स। हम इसे डिसकलर बॉटल्स में क्यों नहीं रखते, लाइक आप वाटर को देखें, वाटर बॉटल्स को, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स को, तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उस तरह के बॉटल्स में क्लोरोफॉर्म को क्यों नहीं रखा जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज, अगर क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर आ गया लाइट के प्रेजेंस में कांटेक्ट में, ऑक्सीजन कांटेक्ट में, तो ये जो है COCl2 के बना देता है प्लस HCl। ये एक गैस होती है फॉस्जीन गैस जो कि हाईली पॉइजनस होती है,
आपको पता है कि अब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है और लाइट भी है, मतलब अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट बॉर्डर में रखेंगे तो लाइट कांटेक्ट में आएगा और एयर के भी। एंड अगर ऐसा हुआ तो सारे क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फॉस्जीन, एक पॉइजनस गैस में। दैट्स वाई दे आर केप्ट इन कलरफुल बॉटल्स। ये जो फॉस्जीन है एक स्ट्रॉन्ग हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस फॉस्जीन गैस जो है हमारी COCl2, अगर हम इसकी रिएक्शन इथेनॉल से करा दें, COCl2 प्लस इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। ये जो है टॉक्सिक फॉस्जीन से हार्मलेस डाई इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि अगर फॉस्जीन गैस आपकी किसी वजह से बन गई, मान लीजिए आप लेबोरेटरी में गए, आपने क्लोरोफॉर्म डायरेक्टली ले लिया, अब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही और लाइट के प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस वो बना दिया है, अब ये तो एक डेंजरस हुआ। तो अगर आपको फर्दर इसको हार्मलेस बनाना है तो आप इसमें इथेनॉल ऐड कर दें, स्लाइटली ही ऐड कर दें। तो आफ्टर रिएक्शन विथ इथेनॉल डाइइथाइल कार्बोनेट बनाता है ये। और ये जो होता है वो हार्मलेस होता है, मतलब ये आप पॉइजनस नहीं होता, ये ह्यूमंस के लिए कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और डाई इथाइल ईथर का आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है C2H5O CO, O C2H5। दिस इज डाई इथाइल कार्बोनेट। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आई तो देखते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब एक तो ये हुआ कि हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन करा दें, किसकी? मिथेन की। अगर हम इसके दूसरे मेथड के प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, और कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं इसके प्रिपरेशन के, तो क्या आपने क्लोरोल का नाम सुना है? ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरल है हमारा उसकी जो फॉर्मूला होती है CCl3CHO, ये होता है हमारा क्या? क्लोरल। इसके बाय यूजिंग ऑफ क्लोरल ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। कैसे? अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH एंड ओ एच, इसकी रिएक्शन अगर 2 मोल्स ऑफ क्लोरल, अगर हम इसकी 2 मोल्स से रिएक्शन करा दें तो हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है। कैसे? आइए मैं बताता हूँ कि ये हमारा हो गया CCl3। CCl3 लिखा ना, बाय मिस्टेक CH3 लिखा है। CCl3 CHO, सिमिलरली CCl3 CHO। अब ये जो CCl3 है, ये CCl3 और ये हाइड्रोजन दोनों मिलके एक हो जाएंगे। सिमिलरली ये CCl3 एंड ये हाइड्रोजन दोनों मिल जाएंगे और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी 2 मोल्स ऑफ HCCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, प्लस कैल्शियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड CHO।
ये हमारा एक बाय प्रोडक्ट होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस प्रिपरेशन ऑफ क्या करना था, क्लोरोफॉर्म, एंड दैट विल बी डन बाई लाइक दिस। इस तरह से हम क्लोरल से क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन करते हैं। 2 moles ऑफ क्लोर रिक्वायर्ड फॉर 1 mole ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसके 1 mole से इसके 2 mole रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्लोरल। आइए अब आगे चलते हैं। ट्राइक्लोरो मिथेन दैट इज क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स। हमने उसकी प्रिपरेशन देख ली, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, एल्कलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टूडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22। इसकी जो मेजर यूज है वो है रेफ्रिजरेंट R22 का फॉर्मेशन के लिए। इट वॉज मोस्ट यूज एज जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक्स सच एज ईथर और माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स कॉज एज एन एनेस्थेटिक। इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रीथिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन ऑफ एयर। पीपीएम आपने पढ़ा है ना मोल कॉन्सेप्ट में, लास्ट ईयर पढ़ा था आपने पीपीएम, ये वही है, पार्ट्स पर मिलियन, 900 पार्ट्स पर मिलियन। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाई एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। आप कार्बोनिल क्लोराइड, इसको जो हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ये पॉइजनस गैस है। इट इज देयर फॉर स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल्स कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट। ये जो है बेसिकली रीजन इनिशियली मैं आपको बता चुका हूँ, फर्दर इसकी डिस्कशन की कोई मीनिंग नहीं है। ये प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन भी मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म अगर हो तो फॉस्जिन में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है, और फॉस्जिन को अगर हम आप चाहते कि फॉस्जिन को आप तुरंत ही जो ये पॉइजनस बिहेवियर है इसका उसको आप ख़त्म कर दें तो आप इसको इथेनॉल ऐड कर देंगे जैसे ही, तो ये पॉइजनस लेस हो जाएगा, मतलब ये पॉइजनस नहीं रह जाएगा। अब बात करते हैं ट्राई आयडो मिथेन की, आयडो फॉर्म। जैसे CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म था, जैसे CH3L3 हमारा क्लोरोफॉर्म था, वैसे ही CHI3 आयडोफॉर्म होता। ये काफी यूज भी आता है, आप इसको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे आयडोफॉर्म टेस्ट के नाम से। ये एक बेहतरीन टेस्टिंग एजेंट भी हम कह सकते हैं इसको, काफी यूज होने वाला है ये जो आगे चैप्टर्स यूज होंगे। बिफोर दैट हम इसको एक प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं कि ये कैसे प्रिपेयर्ड होगा। अगर हम इसकी बात करें तो एक आयडोफॉर्म रिएक्शन आपको बताया जाएगी आगे, वो इसी के नाम पर रखा गया है क्योंकि इसमें जो है आयडोफॉर्म फॉर्म होता है। अगर आप किसी एसीटोन की रिएक्शन फोर मोल्स ऑफ NaOH प्लस
3i2 से करा दें, अगर 4NaOH प्लस 3i2 लिखा हो तो भी, या फिर NaOI अगर ये भी लिखा है तो भी, ये एक एडो फॉर्म रिएक्शन होती है जिसमें कि आपका येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CHCl3, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CHCl3 फॉर्म होता है प्लस फॉर्मिक एसिड मिलती है, एसिटेट आयन प्लस एन ए प्लस, 5 मोल्स ऑफ H2O एंड 5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्राइड। ऑल्दो इन सारी चीज़ें हमारे लिए अभी साइड प्रोडक्ट है, ये एंड दिस ऑल्सो। इसकी अगर रिएक्शन फिर आप हाइड्रोलिसिस से जब करा देंगे इसकी, अगर जब हाइड्रोलिसिस आप करा देंगे तो ये जो है फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH में, और ये आपका जो है CHCl3 एक येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो PPD फॉर्म होता है। दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एडो फॉर्म। एडो फॉर्म की प्रिपरेशन हम एडो फॉर्म रिएक्शन से कराते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा टेट्रा क्लोरोमिथेन, दैट इज CCl4। अब कुछ इसके भी बात कर लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन वगैरह क्या है। एक तो आपको इनिशियली मैं बता चुका कि आप डायरेक्ट क्लोरीनेशन करा दें तो आपको CCl4 मिल जाएगा, इनिशियली CH3Cl मिलेगा, फर्दर CH2Cl2 डाइक्लोरो मिथेन, आफ्टर दैट यू विल गेट क्लोरोफॉर्म CHCl3, एंड फाइनली जब एक और जब हाइड्रोजन को आप क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। बट मान लीजिए कि आपको प्रिपरेशन कुछ और ही तरीके से करना है। एक और जो प्रिपरेशन की मेथड है इसकी प्रिपरेशन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो CH2 लाइक CO2 होता है, ये एक ही ऑक्सीजन फैमिली का ग्रुप है, ऑक्सीजन एंड सल्फर। CH2 जो है इसकी आप अगर 3 मोल्स ऑफ Cl2 से करा दें तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस H2Cl2 फॉर्म होगा। इसको हम सल्फर मोनोक्लोराइड बोलते हैं। इसको हम सल्फर मोनोक्लोराइड बोलते हैं और ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होगा। अब एक इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन एक और है इसकी कि अगर आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से करा दें तो अगेन वही फॉस्जीन गैस आपको मिलेगी। फॉस्जीन गैस की अभी क्या फॉर्मूला बनाया था मैं, CO Cl2 कार्बोनिल डाइक्लोराइड प्लस हमें कोई बाय प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस वाटर के कांटेक्ट में भी नहीं ला सकते क्योंकि आपको फिर अगेन पॉइजनस गैस दैट इज फॉस्जीन मिलेगा। अगर फिर मान लीजिए किसी वजह से आपको फॉस्जीन बन गया तो फर्दर आप इथेनॉल से रिएक्शन करा दें तो हार्मलेस प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पर। बिफोर दैट इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज अगर आप देख लेते हैं,
इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल केन्स। इट इज ऑल्सो यूज एज फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स। अभी हम क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स के भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं, बट बिफोर दैट इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम पढ़ लेते हैं। इट वॉज ऑल्सो वाइडली यूज एज अ क्लीनिंग फ्लूइड बोथ इन इंडस्ट्री एज अ डिग्रीजिंग एजेंट एंड इन द होम एज अ स्पॉट रिमूवर एंड एज फायर एक्सटिंग्विशर। दिस इज सम एविडेंस दैट एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कजेस लीवर कैंसर इन ह्यूमंस। मतलब ये भी ह्यूमन के लिए खतरनाक है। अभी अभी मैंने बताया कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अगर गलती से भी एयर ये वाटर कॉन्टेक्ट में आया तो अगेन फॉसिन गैस फॉर्म होगा कार्बोनिल क्लोराइड, और ड्यू टू विच अगेन दुनिया भर की सारी समस्याएं आएंगी। तो आप इस बात को ध्यान दें कि जब भी आप लैब में कोई रिएक्शन कराएं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर फॉर्म हुआ एज अ सॉल्वेंट, आपको जब भी कार्बन टेट्राक्लोराइड हम यूज करते हैं अक्सर CCl4, इसके म्यू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। इसकी म्यू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। और ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो एज अ सॉल्वेंट भी आपको लेबोरेटरी में हो सकता है गिवन हो तो आप इसमें वाटर मिक्स नहीं करेंगे। ये हुई हमारी किसकी बात, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। अब आइए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा फ्रियॉन्स। अब इस फ्रियॉन्स के हमें डिस्कशन करना है। द क्लोरो फ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मिथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन्स। इसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसकी डिस्कस कर लेते हैं। CH4 में फ्रियॉन्स जो है तीन तरह के फॉर्म होते हैं। एक CFCl3, मतलब एक फ्लोरीन हो, तीन Cl हो और एक कार्बन हो। अगर ऐसा है तो इसको हम फ्रियॉन वन वन बोलते हैं, दैट इज फ्रियॉन 11 भी हम कहते हैं। अब सेकेंड जो होता है हमारा CH4 से जो फॉर्म होता है फ्रियॉन, दैट इज CF2Cl2, मतलब एक कार्बन हो, दो फ्लोरीन हो और दो ही क्लोरीन हो। तो इस बार जो फ्रियॉन का जो हम इसका नेमिंग करेंगे इट विल बी फ्रियॉन 1,2 एंड द लास्ट वन इज CF3Cl। इट मीन्स इट कंटेन वन कार्बन, थ्री फ्लोरीन एंड वन क्लोरीन एटम। इसकी जो नेमिंग हम करेंगे इट विल बी नेम्ड एज फ्रियॉन 1,3। मतलब CH4 मॉलिक्यूल से तीन तरह के फ्रियॉन्स हम बनाते हैं, फ्रियॉन 1,1 दैट इज 11, फ्रियॉन 12 एंड फ्रियॉन 13। ये बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि अगर वन फ्लोरीन थ्री क्लोरीन एंड वन कार्बन हुआ, अब कार्बन मीथेन है तो एक ही होगा ही, तो ये तो सब में कॉमन है। आपको सिर्फ क्या करना है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन को याद रखना है। अगर वन फ्लोरीन है तो फ्रियॉन 1,1 होगा, और अगर तीन फ्लोरीन है तो फ्रियॉन 1,3 होगा। आप सिर्फ फ्लोरीन से याद कर सकते हैं। अगर एक फ्लोरीन हुआ तो फ्रियॉन 11 होगा, और तीन फ्लोरीन हुआ तो फ्रियॉन 13 हुआ।
तो ये था हमारा CH4 के केस में। अभी जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें दिया हुआ भी है कि दे आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मिथेन एंड इथेन। तो मिथेन का तो हमने डिस्कस कर लिया, एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन्स। तो इथेन की अब केस बात कर लेते हैं कि इथेन के केस में क्या होगा। अब इथेन के केस में मान लीजिए ये C2H6 है हमारा इथेन। इन दिस केस ऑल्सो वी गेट थ्री टाइप्स ऑफ फ्रियॉन। तीन तरह के फ्रियॉन्स वी विल गेट। फर्स्ट C2F2Cl4। इसका कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं, दो कार्बन, दो फ्लोरीन एंड चार क्लोरीन एटम। अगर ऐसा है तो इसकी हम नेमिंग करेंगे फ्रियॉन 22, दैट इज फ्रियॉन 22। अगर यही C2F2Cl4 ना होके C2F3Cl3 हुआ, दैट इज टू कार्बन, थ्री फ्लोरीन एंड थ्री क्लोरीन। अगर कुछ ऐसा केस हुआ इसकी हम नेमिंग करेंगे फ्रियॉन 23। एंड द लास्ट वन इज C2F4Cl2। C2 यहां पे F2 था इनिशियली, अब हम इसको F4 कर दिए और ये हमारा हो गया Cl2। ये हमारा हुआ C2F4Cl2। अब आप मुझे बताएं, अगर आपको कुछ कॉमन चीजें इसमें मिली हो तो कि C2H4Cl2 की नेमिंग क्या होगी। इसकी नेमिंग होगी फ्रियॉन 24। आप याद करने का तरीका देखें, अगर फ्लोरीन दो हुए, देखिए कार्बन दो हैं तो फ्रियॉन 222 लगेगा, मतलब ये इनिशियल जो फर्स्ट टू जो है जो टेंस डिजिट पर है, टेंस प्लेस पर, ये 22, ये हम कह सकते हैं कि ड्यू टू कार्बन है। यहाँ पर दो कार्बन थे तो हमने दो दो लगा दिया। अब जो सेकेंड आता है वन प्लेस पर जो हमें लगाने हैं, हम वो फ्लोरीन के काउंटिंग से लगाएंगे। अगर फ्लोरीन हमारा दो है तो हम दो लगाएंगे, मतलब C2F2Cl4, क्योंकि कार्बन C2 है और यहाँ पे H6 है तो टोटली यहाँ पे भी 6 होने चाहिए थे एटम्स। F2 है तो चार कौन से होंगे, क्लोरीन होंगे। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रियॉन 22 में कार्बन फ्लोरीन एंड क्लोरीन के एटम्स कितने होते हैं, तो आपको ये बताने आना चाहिए कि दो क्लोरीन होंगे, दो फ्लोरीन होंगे एंड 4 Cl होंगे। सिमिलरली अगर फ्लोरीन तीन हुए, फ्लोरीन के तीन एटम्स हुए तो ये 23 होगा, अगर 4 हुए तो ये 24 होगा। कि ये फ्रियॉन की जो है क्लासिफिकेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा इन केस ऑफ मिथेन एज वेल एज इन केस ऑफ इथेन। तो ये फर्दर हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना है इसमें। ये हो गया हमारा फ्रियॉन की जो है क्लासिफिकेशन, ठीक, या फिर हम इसका नॉमेनक्लेचर भी बोल सकते हैं। आइए अब देखते हैं आगे क्या करना है। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल एंड अनरिएक्टिव, मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं एंड नॉन कोरोसिव होते हैं एंड ईजिली लिक्विफेबल गैसेस। फ्रियॉन 12 आपको होता है, वन मतलब कार्बन एक ही होगा और टू मतलब दो फ्लोरीन होंगे, मतलब CCl2F2। यहाँ पर क्या है, फ्रियॉन 12 है। अब 12 मतलब ये जो है ये वन जो रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस प्लेस का, ये मतलब कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कार्बन लिखे, एक है तो हम सिर्फ एक ही कार्बन लगाएं। फर्दर मैंने बताया कि ये जो वन प्लेस पर होगा वो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर दो है तो मतलब फ्लोरीन कितने होंगे, दो होंगे। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है हमें चार,
तो चार के लिए क्लोरीन को कितना होगा, सी एफ टू सी एल टू। इस तरह से आप मान लीजिए फ्रियोन 12 लिखा होता, अगर सी सी एल टू एफ टू नहीं लिखा होता तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन होंगे, दो फ्लोरीन होंगे एंड दो क्लोरीन होंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। फ्रियोन 12 डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमिथेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रियोन्स इन इंडस्ट्रियल यूज। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमिथेन बाई स्वार्ट्स रिएक्शन। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमिथेन बाई स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन बताया था ना आपको, स्वार्ट्स रिएक्शन हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में पढ़े थे। अगर कोई आरएक्स है किसी भी इनऑर्गेनिक फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड से आप अगर इसकी रिएक्शन करा दें तो जो एक्स है या तो ये क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। ये जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, फ्लोरीन से। मतलब ये क्या है, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो इस तरह से तो अगर CCl4 है, अगर आप इसकी रिएक्शन Hg2F2 से करा दें, Hg2F2, तो एक क्लोरीन जो है इनिशियली सब्सटीट्यूट होगा फ्लोरीन से, एक्सचेंज होगा। फर्दर आप अगर Hg2F2Cl2 से करा दें Hg2F2 से, तो अगेन एक क्लोरीन जो है फ्लोरीन से हो जाएगा, तो सी Cl2 F2 वी विल गेट। तो इसका नेमिंग क्या होगा, फ्रियोन, एक कार्बन है तो वन, दो फ्लोरीन है तो टू, फ्रियोन 12। दिस इज फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन 12 फ्रॉम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये थी हमारी प्रिपरेशन। फर्दर हम देखें तो दीज आर यूजली प्रोड्यूस फॉर एरोसोल प्रेपलेंट्स रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पज, मतलब एसी फ्रिज वगैरह में इसका यूज होता है। बाय 1974 टोटल फ्रियोन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वाज अबाउट 2 बिलियन पाउंड एनुअली, मतलब एक साल में 2 बिलियन पाउंड इसकी रिफ्रिजरेशन प्रोडक्शन हो रही है इंडस्ट्रियली। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फ्रिजेस एंड रेफ्रिजरेटर्स जो है एंड जो एसी हैं उनकी यूजेस कितनी बढ़ गई हैं। मोस्ट फ्रियोन इवन दैट यूज इन रेफ्रिजरेशन इवेंचुअली मेक्स इट्स वे इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर इट डिफ्यूजेस अनचेंज्ड इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। इन स्ट्रेटोस्फीयर फ्रियोन इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन दैट कैन अपसेट द नेचुरल ओजोन बैलेंस। आप फर्दर रीडिंग के लिए यूनिट 14 क्लास 11 रेफर कर सकते हैं। ये थी हमारी टोटल बात फ्रियोन के अकॉर्डिंग। अब फर्दर हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसे हम इन शॉर्ट DDT बोलते हैं। आइए स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर गिवन है कि नहीं, आई थिंक होना चाहिए, हाँ है। आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। पैरा पोजिशन पर क्लोरीन है दोनों ही बेंजीन रिंग में, और ट्राइक्लोरो क्या है, तीन क्लोरीन है। इसके स्ट्रक्चर में आपको बनाकर दिखाता हूँ। दो बेंजीन रिंग होंगी, इनके पैरा पोजिशन पर क्या होगा, क्लोरीन। ये बेंजीन दोनों बेंजीन रिंग एक ही कार्बन से लिंक होंगी, इसके भी पैरा पोजिशन पर एक क्लोरीन होगा। और ये जो CHCl है
CH यहाँ बना देता हूँ। ये फर्दर CCl3 से कनेक्ट होता, ये है क्या DDT। ये प्रिपरेशन ऑफ DDT भी आपका काफी आता है CBSE के एग्जाम में, एंड इसका IUPAC नेम भी काफी आता है, क्योंकि इसकी IUPAC नेमिंग जो होती है वो काफी डिफिकल्ट होती है, जो जनरली बहुत मुश्किल होती है। वेल इसकी हम कॉमन नेम की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी कॉमन नेम की बात करें तो ये पैरा पर दोनों ही क्लोरीन है, तो हम पी कॉमा पी डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल, क्योंकि दोनों ही पैरा पर और दोनों ही क्लोरीन है, तो क्या होगा डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। अब मुझे एक बात, वन टू डबल बॉन्ड कहीं है नहीं, मतलब ये इथेन मतलब अल्केन ही होगा, और दो कार्बन है मतलब इथेन होगा, मतलब क्या होगा ट्राई क्लोरो इथेन, ये है इसका कॉमन नेम, अगर आप याद रख सकें तो अच्छा होगा। कभी हो सकता है मान लीजिए IUPAC ना पूछ के कॉमन ही पूछ दिया, मन कर गया उसका पूछने का कॉमन नेम, तो ये भी तो आपको आना चाहिए। और अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग की अगर हम बात करें तो इसकी IUPAC नेमिंग जो होगी दैट विल बी 2.2 बीस 4 क्लोरोमिथाइल 1 2 3 4 बीस, इसीलिए यूज हुआ क्योंकि ये डबल है एंड सेम पोजिशन पर ही है, तो 20 4 क्लोरो फिनाइल 1.1.1 ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, ये है इसका IUPAC नेम। क्या समझ में आया? अगर आया तो आइए देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, क्योंकि अक्सर एग्जाम से जो पूछे जाते हैं रिगार्डिंग DDT वो या तो इसकी नेमिंग होती है IUPAC आदर IUPAC और कॉमन, या फिर इसकी प्रिपरेशन होती है। इसकी प्रिपरेशन जो होती है अगेन क्लोरल से होती है, क्लोरल का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था आपको, क्या होता है CCl3CHO, दिस इज वॉट दिस इज क्लोरल, और इसी इसके हमें क्या करनी है प्रिपरेशन करनी है। आइए देखते हैं कि क्लोरल से इसकी कैसे प्रिपरेशन होती है। तो अगर हम 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरल से करा दें, दैट इज CCl3CHO, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी DDT। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूँ। 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मतलब क्या होगा Cl होगा, और यहाँ भी Cl होगा, यहाँ पर दोनों क्या होंगे हाइड्रोजन होंगे, ये दोनों हमारे क्या है क्लोरोबेंजीन है ये दोनों, प्लस इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरल से, लेकिन जो CCl3 वाला पार्ट है उसको हम राइट साइड लेंगे,
और जो CHU है वो कुछ इस तरह का है। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल आप देखिए निकाल सकते हैं किस तरह से, कि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल जाए, ये दोनों जब निकल जाएंगे तो ये क्या होगा, -H2O होगा। जब -H2O होगा तो हमारा क्या बनेगा, DDT का फॉर्मेशन होगा। दैट विल बी दिस, दो बेंजीन बना लें क्लोरीन पैरा पोजिशन पर, इन दोनों के एक ही कार्बन से अटैच करें और इस कार्बन को CCl3 से ऐड कर दें। दिस इज आवर DDT, ये होगा प्लस H2O मॉलिक्यूल जो हमारा निकला था वो निकल जाएगा। अब आते हैं अपने पेज पर, चलते हैं प्रीवियस पेज पर। ये रहा, तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ DDT एंड नेमिंग ऑफ DDT। ये आपका DDT का स्ट्रक्चर भी है, मैंने आपको बता भी दिया है कि यहाँ पर एक क्या होगा, कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा, इससे एक हाइड्रोजन ऐड है और फिर ये CCl3 है, यहाँ पर भी एक कार्बन है और इससे 3 Cl लगे पड़े हैं। ये थी हमारी ऑल अबाउट DDT। अगर हम फर्दर बात करें और कुछ इस पेज पर तो है नहीं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या खत्म हो गया क्या, एक मिनट मैं जरा चेक कर लूँ। जी हाँ, ये हमारा लास्ट टॉपिक था ऑफ दिस चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब ये चैप्टर मेरी तरफ से होता है समाप्त। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं सब एक्सप्लेन की, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं थी उसको मैंने अपने से ऐड करके एक्सप्लेन किया, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे लगी, एक दो ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर एक दो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखे होंगे जो मुझे लगे कि अनइम्पॉर्टेंट है और उस पर पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट करने बराबर है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा या पढ़ाया। तो यहाँ पर होता है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर समाप्त। फर्दर जब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम मैं ट्राई करूँगा अगर हो सके तो कि इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं, इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उसकी भी मैं डिस्कशन करूँ। एंड अगर टाइम मिला, टाइम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूं। बिफोर दैट आपको क्या करना है, आपका काम यह है कि आप इस नोट्स को कंप्लीट करें, जितने भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं इस नोट्स को फिर रिवाइज करें। कहीं दिक्कत होती है तो उस प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करें, आफ्टर दैट आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। आप इस चीज़ का वेट बिल्कुल ना करें कि सर एक्सरसाइज कराएंगे ही तो हम क्यों करें, क्योंकि मेरे कराने से आपको समझ में उतना नहीं आएगा जितना आप खुद से करेंगे। तो
इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू कि आप रिवीजन करें, एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवेन है ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड और भी चीजें जितने भी हैं। तो आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, मिलते हैं अगले चैप्टर में। हमारा अगला चैप्टर होगा कौन सा, एल्कोहल फिनॉल ईथर। उसमें भी देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं हमें डिस्कस करने की, सारे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।